अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उर्दू पेडागॉजी पार्ट नंबर 5 है ये। पार्ट नंबर 4 तक आपको देखना है और इसके बाद आप पार्ट नंबर 5 देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है लिखना सिखाने का तरीका। अब अगर आप प्रीवियस वीडियो में याद करें तो मैंने ज़बान की महारतें जो है वो हमने डिस्कस की थी। सबसे पहली महारत, इब्तदाई महारत जिसे आप कहेंगे, सुनना, सेकंड बोलना, थर्ड जो है पढ़ना, और फोर्थ जो थी वो थी लिखना। तो लिखना से ही आज मैं जो हेडिंग है वो है लिखना सिखाने का तरीका। तो यहाँ पर मैंने माइंड मैप के थ्रू नोट्स बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि लिखना सीखने का जो है टोटल 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका जो होता है जिसे अबजदी तरीका या फिर हुर्फ़ तहजी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का रिवायती तरीका है जिसे आप कह सकते हैं कदीम तरीका। यहाँ पर जो है बच्चों को हुर्फ लिखना फिर हुर्फ को मिलाकर सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर टोटली आप लिखना ही सिखा रहे हैं बच्चों को। हुर्फ तहजी यानी कि जैसे आपने अल्फा, आपने जो हुर्फ पढ़े हैं अलिफ बे पे, ठीक है, तो वो सारे लफ्ज़ों को, वो सारे हुर्फों को क्या किया जाता है, यहाँ पर बच्चों को हुर्फ लिखना और हुर्फों को मिलाकर लिखाना सिखाया जाता है इस तरीके में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर वाव जमा ज़े जमा नून, ये क्या हो जाएगा, वज़न हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हमने हुर्फों को मिलाकर इस तरीके से लिखाया जाता है बच्चों को यहाँ पर। तो ये एक कदीम तरीका या रिवायती तरीका है, ये याद रखना है। अब सेकेंड जो आपका तरीका है वो आता है मोंटेसरी तरीका। तो इस तरीके में क्या होता है, लकड़ी, जो लकड़ी होती है या फिर आप फाइबर कहें, उससे एक शेप, जैसे अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा, ए का शेप दे देंगे, बी का शेप देंगे, या फिर अलिफ बे कोई भी जो हुर्फ है उसका शेप देकर बच्चे जो है उंगली फेर कर उस पर लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। नेक्स्ट आता है पस्तालूजी तरीका, यानी यहाँ पर इस तरीके में क्या होता है, लिखने की शुरुआत लाइन खींच कर करवाई जाती है। जैसे कि आपने छोटी क्लास में जो प्राइमरी लेवल जो कि जूनियर सीनियर के जो बच्चे होते हैं उनको आपने देखा ही होगा, उनको एक ऐसी किताब मिलती है, मश्क की किताब, जिसमें के ऐसे डॉट डॉट करके दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर दायरे को डॉट डॉट के फॉर्म में बनाया है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस डॉट को क्या करते हैं, ज्वाइन करके एक दायरा बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, जिसे आप खत वगैरह कहते हैं, या फिर कोई भी हुर्फ आपको दे देगा, जैसे कि शीन है, तो शीन को किस तरीके से बताएगा, डॉट डॉट फॉर्म में, और बच्चे उसे क्या करेंगे, जोड़ कर यानी लाइन खींच कर जो बनाएंगे, थर्ड तरीका उसमें आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेडागॉजी में पूछ सकते हैं कि कोई उस्ताद जो है बच्चों को जो है डॉट डॉट के फॉर्म में एक लाइन खींच कर बता रहे हैं, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा तरीका फॉलो किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मुताले की। ये आपका एक अलग टॉपिक था, लिखने से रिलेटेड था। अब आपका नेक्स्ट जो है वो आ जाता है आपका मुताले की किस्में। अब मुताला जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइप ऑफ रीडिंग। अगर आपने मेरी इंग्लिश पेडागॉजी देखी होगी तो आपको ये बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, मुताले की किस्में। सबसे पहले मुताले की कितनी किस्में यहाँ पर मैंने मेंशन की है, 4 किस्में हैं। पहला है सरसरी मुताला। इस मुताले में क्या होता है कि हम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, फिर वो किताब हो सकती है, वो आपका न्यूज़पेपर हो सकता है। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर को एकदम स्कैनिंग या एकदम बिल्कुल डीप में जाकर नहीं पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर हो गई, मैगज़ीन हो गई, हम उनको सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, ओके, कि सिर्फ आइडिया मिल जाए कि क्या हो रहा, क्या मतलब किस बारे में बताया गया, तो हेडिंग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड जो तरीका है, अमीक और वसी का मुताला। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, इस मुताले में हम इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है। जो भी इबारत दी गई है ना, उसके हर एक पहलू पे क्या किया जाता है, गौर किया जाता है कि ये चीज़ यहाँ क्यों आई है, समझ में आया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, गौर करके उस इबारत को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं उसका। नेक्स्ट आता है थर्ड जो है स्कैनिंग मुताला। अब देखिए इंग्लिश में भी स्कैनिंग वर्ड ही है और यहाँ पर भी उर्दू में भी स्कैनिंग ही इसे बोल रहे हैं। तो जो जो आपका पैराग्राफ होता है,
कि किसी खास मालूमात की खोज के मकसद, यानी अगर आपको क्या करना है, कुछ आपका खास मकसद है, जैसे कि मैंने इंग्लिश में एग्जांपल आपको दिया था, रेलवे टिकट होती है, अगर आपको टिकट नंबर ढूंढना है तो आप अपने रेलवे टिकट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और वहाँ उसमें से आप अपने टिकट नंबर को क्या करोगे, सर्च करोगे, ढूंढोगे, तो उसी को क्या कहते हैं, स्कैनिंग करना। जैसे मिसाल के तौर पर आप तारीख देख रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर में कोई तारीख देख रहे हैं कि हाँ इस दिन वेडनेसडे को कौन सी तारीख है, तो स्कैन कर रहे हैं आप, स्कैनिंग का मुताला कर रहे हैं। या फिर आपको टीचर ने क्वेश्चन पूछ दिया कि इस लेसन में जिसने हेल्प की है उसका नाम क्या है, नाम ढूंढ रहे हैं आप, या कोई फार्मूला वगैरह आपको बोला गया है ढूंढने के लिए, तो आप कौन सा मुताला करते हैं, स्कैनिंग का मुताला करते हैं। ओके, अब लास्ट जो आता है हमारा वो आता है बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला। बुलंद ख्वानी का मतलब ये होता है जब हम बुलंद आवाज़ में जब हम बच्चों को पढ़ाया जाता है, मुताला करवाया जाता है। अब ये चीज़ जो है इब्तदाई जमात यानी आपने प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि टीचर उनको पहाड़े जो है वो ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ाती हैं, और ए फॉर एप्पल, अलिफ से अनार, इस तरीके से बच्चों को क्या किया जाता है, बुलंद आवाज़ में पढ़ाया जाता है। मकसद ये होता है कि तलफ़ुज़ और मायने का पता चलता है इससे। अब हम आ जाते हैं खामोश मुताला। खामोश मुताला सबसे पहले तो ये आप बड़ी क्लास में यूज़ करेंगे, जो बच्चा हाई लेवल में है तो वो थोड़ी ना, अगर वो मैथ्स का भी सम करता है और सपोज़ उसको डिवीज़न करना है तो वो दो के पहाड़े ज़ोर ज़ोर से पढ़ कर नहीं करता, बल्कि अपने माइंड में सॉल्व करता है वो चीज़ों को, तो इसे हम कहते हैं खामोश मुताला। अब इस डेफिनेशन है थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। इस मुताले ये मुताले का मकसद ये होता है कि इबारत को समझना और लुत्फ़ानंदोज़ होता है। ऑफ़ कोर्स आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, क्यों करते हैं, जैसे कि आप कोई स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं, स्टोरी की किताब आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप उसको ज़ोर ज़ोर से तो नहीं पढ़ोगे, स्लोली स्लोली पढ़ोगे उसको, जो भी उसमें स्टोरी दी है उसमें आप क्या होंगे, लुत्फ़ानंदोज़ होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।